फ्रेंड्स, वेलकम टू रंजू स्पेशल। मैं रंजू सेतिया, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मशरूम पुलाव। मशरूम पुलाव को एक हम कंप्लीट मील बोल सकते हैं, वन डिश मील भी बोल सकते हैं। मशरूम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मशरूम्स आर वेरी लो इन कैलोरीज, ग्लूटेन फ्री, फैट फ्री एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री एंड वेरी लो इन सोडियम। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटेशियम, सेलेनियम, राइबोफ्लेविन, नायसिन एंड विटामिन डी भी होता है। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है मशरूम। तो आइए बनाते हैं न्यूट्रिशियस मशरूम पुलाव। तो इसके लिए हमें चाहिए दावत पुलाव बासमती राइस, मशरूम चॉप्ड, कसूरी मेथी, वेजिटेबल ऑयल, ऑनियन चॉप्ड, गार्लिक लेंथवाइज चॉप्ड, जिंजर लेंथवाइज चॉप्ड, बे लीव्स, ब्लैक पेपर कोर्सली ग्राउंड, जीरा, क्लाव पॉड्स, रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट टू टेस्ट। मशरूम पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पैन में ऑयल ले लेंगे, इसमें जीरा डालेंगे, एक दो क्लव्स डाल देंगे और एक कार्डमम डाल देंगे और तेज पत्ता डाल देंगे। इसमें अभी हम अनियन डालेंगे, उसको सौते होने देंगे थोड़ी देर के लिए। आपको बे लीव्स नहीं पसंद है या गरम मसाले का फ्लेवर ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप उनको हटा सकते हैं। इसमें थोड़ा गार्लिक डालेंगे, जिंजर डाल देंगे। आप जिंजर बारीक कटा हुआ भी डाल सकते हैं और लंबा कटा हुआ भी डाल सकते हैं। अभी प्याज डाल हो गया है, ट्रांसल्यूशन हो गया है, अभी हम मशरूम डाल देते हैं और कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को मैंने अच्छे से धो के स्ट्रेन कर लिया है क्योंकि कसूरी मेथी में मिट्टी बहुत रहती है। मशरूम को थोड़ी देर के लिए हम सौते करेंगे, फिर इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स से कलर बहुत अच्छा आता है। अभी हम थोड़ा काली मिर्ची डाल देंगे। और भी मैंने चावल को 15-20 मिनट के लिए भिगो दिया था, भिगो के अभी ड्रेन कर लिया है। एक कप राइस लिया है हमने और 2 कप पानी लेंगे। अभी हम इसमें नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा चिली फ्लेक्स हम और डाल देंगे क्योंकि बहुत अच्छा कलर इससे आएगा। अब इसको हम ढक देंगे और बनने के लिए उबलने देंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। पहले थोड़ी देर के लिए हम तेज आंच पे बनाएंगे, उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। अभी हम बीच में इसको एक बार चेक कर लेंगे, चावल
हाफ डन हो चुके हैं। अभी हम गैस को सिम कर देंगे और सिम पे पूरा गलने तक इसको पका लेंगे। अब हम पुलाव को एक बार देख लेंगे कि चावल पूरा गल गए हैं या नहीं। पुलाव हमारा रेडी है। इसका अरोमा बहुत ही अच्छा आ रहा है। दावत बासमती जब भी पकता है तो पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि हमारे घर में पुलाव बना है। अभी हम इसको सर्विंग डिश में ट्रांसफर कर देंगे। और इसको धनिया से गार्निश कर देंगे। हमारा मशरूम पुलाव तैयार है। इसको गर्मा गर्म ही खा लीजिए, इसको ठंडा मत कीजिए, क्योंकि पुलाव गर्मा गर्म खाने का ही मजा आता है। फ्रेंड्स, मशरूम पुलाव बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए।